हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है, इसमें कह रहा है कि अभिषेक अवृति के पति हैं, ठीक है। यानी कि जो अभिषेक है, ये अभिषेक हो गया और ये पति किसका हो गया, अवृति का। वाइफ हस्बैंड का ये रिलेशन दे दिए, चिन्ह हो गया एक तरह से, हम ये मान लेते हैं ये हो गया अवृति, ठीक है। अवृति हो गया तो अभिषेक जो है अवृति का पति है, मतलब ये मेल है और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है। अन्वी और अंकुर क्या है, जुड़वा है। अन्वी और अंकुर एक साथ जन्म लिए हैं, लेकिन अन्वी और अंकुर को कहाँ बैठाएंगे नहीं पता है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। आगे पढ़ते हैं कि रूबी जो है अवृति के पति की बहन है। तो अवृति का पति कौन हो गया, अभिषेक हो गया, और अभिषेक की जो बहन हो गया, मतलब ये कौन हो गई, रूबी हो गई, ये अभिषेक की बहन हो गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फीमेल हो गया, माइनस से डिनोट कर दिया। अंकुर अभिषेक का पुत्र है, अभिषेक का कौन हो गया, पुत्र हो गया अंकुर, अंकुर हो गया ये, तो ये कौन है, मेल है। उसके बाद रीचा जो है रूबी की पुत्री है, रीचा जो है कौन है, रूबी की पुत्री है, तो ये फीमेल हो गया। अब देखिए कह रहा है रीचा अन्वी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अन्वी तो यहाँ अभी तक नहीं बैठा है। अब जो है अन्वी और अंकुर जुड़वा एक साथ, यानी अंकुर यहाँ पर है, यानी अभिषेक का ये कौन हो गया, पुत्र हो गया अंकुर, तो इसी से रिलेशन में जो है इसका भी एक पुत्र या पुत्री होगा अन्वी, ठीक है। एक साथ जन्म लिया है, जुड़वा है, तो लेकिन अन्वी क्या है, पुत्र है कि पुत्री, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट में सिंबल नहीं दिया गया है। तो हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रीचा जो है अन्वी से किस प्रकार संबंधित है, ये देखिए, ये हो गया अभिषेक का फैमिली हो गया ये, ठीक है, और ये जो है रूबी का फैमिली हो गया, इसका कोई वाइफ हस्बैंड हस्बैंड होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो एक तरह से जो है रीचा का ये कौन लग गया, अभिषेक रीचा का कौन लग गया, मामा लग गया। रीचा की माँ का जो भाई हो गया, यानी कि रीचा का माँ कौन हो गई, रूबी, और उसका भाई कौन हो गया, अभिषेक, यानी रीचा का ये मामा हो गया, और ये सभी जो है रीचा का मामा का बेटा बेटी हो गया, बेटा या बेटी कुछ भी होगा, लेकिन मामा का बच्चा लोग हो गया, यानी ये जो है रीचा के लिए मैं मेरा भाई या बहन हो गया, ठीक है। मामा का लड़का लड़की का रिलेशन हो गया, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ पर एक कौन है, कजन, तो ये क्या हो गया, कजन ब्रदर्स या कजन सिस्टर्स या कजन ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कजन का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक सीरीज दिया गया है, और इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, हमको फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं कि देखिए 78 है, फिर 112 है, फिर 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 50 140 है। अगर हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो नंबर क्या होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, फिर यहाँ पर अचानक से बढ़ जाता है। इसका मतलब जो है ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रिलेशन किससे, इससे होगा, लगातार घट रहा है, यानी अल्टरनेट नंबर्स के साथ सीरीज चलेगा, एक छोड़ के एक, तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन इसके साथ होगा, ठीक है। फिर एक छोड़ के आगे में अगर नंबर आता तो उसके साथ रिलेशन होता, और ये वाला जो है इसका रिलेशन किसके साथ होगा, इस क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, और इस क्वेश्चन मार्क वाला के रिलेशन किससे, एक छोड़कर एक हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या है कि यहाँ पर कितना का डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर क्या हो गया, -14 हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया, -14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, और यहाँ से यहाँ क्या रिलेशन होगा, कैसे जानेंगे। यहाँ पर -14 हो गया, तो यहाँ पर चूँकि दोनों के बीच में सेम नंबर का रिलेशन हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ढूंढेंगे कि सेम का डिफरेंस हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन में अगर देखेंगे कि अगर हम 126 लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ 12 है, क्वेश्चन मार्क है, और 140 है, ठीक है। यहाँ पर अगर 126 लेते हैं तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना होता है, +14 होता है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी +14 होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का गैप सेम हो गया, तो एक तरह से इसका आंसर क्या हो गया, 126 ही लेना सही रहेगा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 126, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाइए।
यहाँ पर जो है पांच मेरा वर्ड दिया गया है, उस वर्ड को जो है हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जो भी आता है उसको सजाना है। तो कैसे सजेगा? तो इसके लिए जो है प्रत्येक वर्ड के जो है लेटर के अकॉर्डिंग जो है लेटर को जो है हमको सजाना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो वर्ड अपने आप सज जाएगा। जैसे कि एक बात याद रखना है कि जो भी यहाँ पांच वर्ड दिए गए हैं तो कॉमन लेटर से मेरा क्या होगा, नहीं बनने वाला, कॉमन लेटर को हटा देंगे। जैसे यहाँ पर पीओ है, फर्स्ट दो में पीओ है, यहाँ भी पीओ है, यहाँ भी पीओ है, यहाँ भी पीओ है और यहाँ भी पीओ है, तो उन सभी को छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब है, नेक्स्ट लेटर देखेंगे। तो क्यों नेक्स्ट लेटर देखें कि यहाँ पर देखिए तीसरा लेटर जो है कॉमन आ गया, यहाँ भी सॉरी तीसरा लेटर जो है डिफरेंट आ गया, यहाँ भी डिफरेंट आ गया, पहला दो लेटर जो है सभी वर्ड में कॉमन था। उसके बाद जो पहला दो के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए टी दिया गया है, यहाँ एस दिया गया है, फिर पी दिया गया है, फिर देखिए यहाँ पर एस दिया गया है, यानी दो में जो है एस कॉमन हो गया, तो कॉमन वाले को छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, टी दिया गया है, फिर नेक्स्ट में क्या दिया गया है, एस दिया गया है, फिर नेक्स्ट में क्या दिया गया है, पी दिया गया है, फिर नेक्स्ट में क्या दिया गया है, फिर से एस दिया गया है। ठीक है, फिर से यहाँ क्या दिया गया है, एल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं दो में कॉमन फिर आ गया, इस कॉमन को पहले हटा दीजिए, ई है, एस तो है, तो एस को भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब इन दोनों कॉमन को हटाने के लिए यहाँ दो में एस है तो क्या करेंगे कि एस भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, टी है, यहाँ भी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टी है, तो यहाँ भी टी को छोड़ देंगे, चार को छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट क्या है, बी है, या नेक्स्ट क्या है, एच है, तो अलग अलग आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया, ये तो पी था, और इसके नीचे क्या हो गया, यहाँ पर एच आ गया था, और यहाँ तो डिफरेंट था ही। अब देखिए सभी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या था, पहला नंबर में था, ये तीसरा नंबर में था, ये वाला किस में, पाँचवा नंबर में था, और ये किस में था, दूसरा नंबर में था, और ये किस में था, चौथा नंबर में था। ठीक है, तो अब देखिए एक अल्फ़ाबेट मेरा जो है आ गया। अब इस सभी अल्फ़ाबेट को जो है क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठा देंगे। ठीक है, लेटर को, तो इनमें से सबसे पहले क्या, एल वाला आएगा, टी बी पी एच एल, सॉरी बी सबसे पहले आएगा, तो बी को कहाँ लिख दिए, नहीं, एक बात याद रखना है कि जैसे यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉमन है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्या मेरा होगा उसको लिख लेना है, ये तो गलत हो जाएगा इस तरह करके। ठीक है, क्या करना है कि इसको ऐसे पहले काट देते हैं, देखिए इसको क्या, इस टाइप से एक सीखने का हो गया, अगर इस टाइप से हम कर देंगे तो गलत आने लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो कॉमन है, कॉमन को निकालने के पहले हम इसको सजा लेंगे। ठीक है, तो ये किस में था, ये देखो टी वाला किस में था, पहले वाला में था, ये किस में था, तीन नंबर में था, ये किस में था, पाँच नंबर में था, ये किस में था, दो नंबर में था, और ये किस में था, चार नंबर में था। ठीक है, फोर्थ वाले में लेटर में था। अब पहले इसको हम सजा लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, उसके बाद जो कॉमन वाले को फिर डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें से कौन सा आएगा, एल वाला आएगा, यानी कि फोर्थ आएगा, फिर क्या आएगा, फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद क्या आएगा, एल के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, सॉरी एल के बाद पी आ जाएगा, पांच वाला आ जाएगा, पांच के बाद क्या आएगा, अब एस वाला आएगा। तो पहले एस को आप देखिए, तीन नंबर में एस क्या था, बी था, और यहाँ पर क्या हो गया, एस था। तो आप देखेंगे बी और एच के पहले जो है कौन सा आएगा, बी आएगा पहले कि एच आएगा पहले, पहले बी आएगा, फिर तीन को सजा दिए, फिर एच वाले को सजा दिए, यानी कि दो को सजा दिए, और उसके बाद यहाँ पहला वाला टी को सजा दिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक बात पता चलता है, अगर हम इसको अरेंज करने के बाद इसको भी अगर सॉल्व करके करेंगे तो आंसर गलत आने लगेगा। तो पहले मेरा जो है उसको लिख लेंगे, ये एस वाला मेरा कॉमन आ रहा है, एस वाला पहले आ रहा है, एस के अंदर बी और एच आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट होगा, 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए एक सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, और इसमें जो हमको क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, हमको सॉल्व करना है। तो एग्ज़ाम में जो है, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको क्या करना है, यहाँ पर टाइम बचाना है। तो अगर पूरा सॉल्व करने बैठ गए तो कैसे हम टाइम बचाएंगे, ये मेरा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए।
तो हम इसमें ढूंढेंगे कौन सा डिफरेंट होगा। तो देखते हैं कि लास्ट वाला जो है डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, तो लास्ट वाला को सॉल्व करते हैं। ये 18 पोजीशन पे होता है, ये 17 पोजीशन पे होता है, ये 16 पोजीशन पे होता है, ये 15 पोजीशन पे होता है। तो एक एक करके क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में जो हो जाएगा, एक घट जाएगा और क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 किसका होता है मेरा, 14 किसका होता है, एन का होता है। तो लास्ट वाला ये एन किस में, इसमें है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा सॉल्व करें, ये तो शॉर्ट मेथड हो गया, पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया मेरा, एक्स हो गया, एक्स से एक कम डब्ल्यू हो गया, एक कम वी हो गया, एक कम यू हो गया, फिर एक कम जो आएगा यू से एक कम कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो टी लिख दिए। फिर इसके बाद यू आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 19 हो गया, फिर 18 वाला, फिर 17 वाला, तो क्यू आ गया, टी क्यू एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, और हम देख रहे हैं कि ये सीरीज़ लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज़ लगातार बढ़ते जा रहा है, तो किस टाइप से बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि लगातार 40 का, अगर ये 40 के लमसम में इसका दोगुना कर दिया 80, तो 80 के आसपास में बढ़ रहा है, लगभग जो है दोगुना के आसपास बढ़ रहा है। क्योंकि अगर 43 को 2 से गुना करेंगे 86 हो जाएगा, और 3 से गुना कर दिए तो 40 या 120 से पार चले जाएगा, ठीक है, तो उतना नहीं बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 11 गुने क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। तो 11 गुने 2 22, और माइनस 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया। फिर 20 से क्या कर दिया, 2 गुना हो गया 40, और प्लस 3 हो गया 43। एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो यहाँ भी आप 43 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 86। अब देखिए 86 में कितना ऐड कर रहे हैं, 8 ऐड कर रहे हैं, तब मेरा 94 हो रहा है। तो यहाँ तो गड़बड़ा गया ना, 2-3 के बाद डायरेक्ट 8 कुछ समझ में नहीं आया, तो इस टाइप का लॉजिक हमको नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 11 है, 20, फिर क्या है 43 है, फिर 94, फिर 187, 336 और 555 है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब गुना वाला काम नहीं आया तो बढ़ने का काम तो इसमें भी होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं बढ़ रहा है तो प्लस से भी देख लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 9 इंक्रीज़ कर गया, यहाँ कितना हो गया, 13 इंक्रीज़ कर गया, यहाँ कितना इंक्रीज़ कर गया, 51 इंक्रीज़ कर गया, यहाँ कितना इंक्रीज़ कर गया, 93 इंक्रीज़ कर गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना इंक्रीज़ कर गया, अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया, कितना इंक्रीज़ कर गया, 16 में 7 गया, 9, 7, 16 में 7 गया, हो गया 9, और 12 में 8 गया 4, 149 इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ कितना इंक्रीज़ कर, ये तो इंक्रीज़ कर रहा है, अब देखते हैं कुछ अटपटा यहाँ भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो आगे और एक देख लेते हैं, ये कितना हो गया, 4 हो गया, फिर ये कितना हो गया, ये कितना इंक्रीज हो गया, और 38 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया, 42 हो गया, ये देखिए यहाँ कितना होगा, 23 हो जाएगा ना, ठीक है, 14 हो गया, यहाँ 28 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 42 हो गया, फिर इसके बाद कितना आ गया, ये देखिए 6, कुछ समझ में आ रहा है, ये 14 एकम 14, 14 का पड़ा, 14 दुनी 28, 14 तिया 42, ठीक है, 14 चौका 56, ठीक है। अब आगे इंक्रीज करेगा, 14 पंचे 70, और 70 इंक्रीज़ करके कहाँ हो जाएगा, ये इन दोनों का ऐड करने पर यहाँ आ गया, इन दोनों का ऐड करने पर यहाँ आ गया 219 आ गया। अब इन दोनों को ऐड किए तो इतना आ गया, ठीक है। उसी तरह इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 छक्का 84। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, 9 4 13 का 3, हाथ मेरा 1 29 और 1 30, ठीक है, 29 और 1 30। अब इन दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है, 555 और
कितना को ऐड करेंगे, 303 को ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 858। तो 858 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या है, एक सेट दिया गया है, यहाँ पर एक नंबर का सेट दिया गया है और इसमें तीनों नंबर के बीच में कुछ लॉजिक है, तो दो नंबर का यूज़ करके हमको किसी तीसरे नंबर का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम लॉजिक है, इसमें भी सेम लॉजिक है और इन चारों सेट में से किसी एक में वो लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो हमको फाइंड आउट करना है। जैसे हम देख रहे हैं कि 36 है, 90 है और ये है 18 है, ठीक है। तो अगर हम पहला और आखिरी का डिफरेंस ले लें तो कितना हो जाएगा, 18 हो गया, और 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला नंबर आ गया, 18 5 90। उसी तरह 15 हो गया, 35 हो गया, 8 हो गया, 8 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 को 5 से डिवाइड कर दिए तो 35 हो गया। सेम किस में होगा, पहला वाला अगर देखेंगे तो 9 हो गया और 9 को 5 से तो 45 आ रहा है, ठीक है। पहला वाला मेरा क्या हो गया, फॉलो हो गया, तो इसमें से एक कोई सेम लॉजिक फॉलो करेगा तो पहला हो चुका तो तीसरा बाकी नहीं करेगा। देख लेते हैं, 4 और 7 का डिफरेंस 3, 3 5 15 नहीं हुआ, 13 और 6 का डिफरेंस 7, 7 5 35 होना चाहिए नहीं हुआ, 12 और 8 का डिफरेंस क्या हो जाता है, 4 4 15 4 5 20 होना चाहिए, तो इसमें से ये भी नहीं हो रहा है, यानी ये तीनों जो है फॉलो नहीं कर रहा है, तो पहला वाला फॉलो कर रहा है, इसलिए पहला वाला मेरा करेक्ट है। इसमें दूसरे तरीके किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें जो है ये पूछ सकता है कि इनमें से किसी तीन में ये लॉजिक तीनों में फॉलो करेगा, एक में फॉलो नहीं करेगा, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस सेट में जो है ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। रोहित अपनी कक्षा में शीर्ष से 18वें स्थान पर है और नीचे से जब वो गिना जाता है उसका स्थान तो वह 36वें स्थान पर आता है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई ऊपर का पोजीशन है, यहाँ से गिना जाता है और रोहित जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, ये मान लेते हैं रोहित है, तो ये ऊपर से जो है 18वें स्थान पर है और इसी का पोजीशन जो है नीचे से कितना है, ये कोई स्थान है तो नीचे से कितना है, 36 है, तो ऊपर से 18 नीचे से 36, तो टोटल कितना विद्यार्थी है, ठीक है। टोटल कैसे, अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दें तो टोटल तो हो जाएगा, तो ऊपर से कितना हो गया, 18 हो गया, ये 18वें पोजीशन पे ये है, और नीचे से कितना हो गया, 36 हो गया, तो क्या हो गया कि टोटल अगर कर दिए तो मेरा हो जाएगा 54। तो 54 क्या सही आंसर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से भी रोहित को एक बार गिन लिया 18वें पोजीशन पे तो रोहित है और नीचे से 36वें पोजीशन पे 36 पोजीशन पे भी रोहित है, तो रोहित को दो बार ना काउंट कर लिया, एक ही बार काउंट करना चाहिए था, इसलिए एक माइनस कर दिए, तो कितना हो गया, 53 हो गया, ठीक है। तो पूरे क्लास में कितना स्टूडेंट है, 53 स्टूडेंट है, 53 स्टूडेंट है, तो अगर ऊपर नीचे का सवाल रहेगा तो अपर ऊपर से प्लस लोअर से, यानी अपर से और लोअर से करके -1 कर देंगे तो टोटल मेरा संख्या निकल जाएगा, ठीक है। और यही लेफ्ट राइट रहता तो बाएं से प्लस दाएं से करके -1 कर देते तो भी मेरा क्या हो जाएगा, संख्या टोटल निकल जाएगा, ठीक है।